अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ तेजी से लड़ी जा रही जंग में उत्तर प्रदेश काफी आगे निकल गया है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कड़े प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश की झोली में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है। कोविड अस्पतालों में 1,00,000 बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। राज्य के सभी 75 जिलों में L1 व L2 लेवल के अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जनमानस की सुविधा व जरूरत को देखते हुए ही मई के अंत तक 1,00,000 बेड तैयार करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में राज्य में कोरोना टेस्ट की गति भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि अब राज्य में प्रतिदिन 10,000 टेस्ट करने की क्षमता पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ ने 15 जून तक 15,000 व जून के अंत तक 20,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता हासिल करने के भी निर्देश दिए हैं। अभी राज्य में 30 लैब काम कर रही हैं, जिसमें 24 सरकारी व 6 अन्य संस्थाएं हैं। जानकारी में आया है कि राज्य में लेवल 3 के भी 25 अस्पताल तैयार किए गए हैं। कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए लेवल 1 व लेवल 2 के अस्पताल हैं। गंभीर मरीजों के लिए लेवल 3 की जरूरत होती है। योगी के प्रयासों के बीच लेवल 1 के अलावा अस्पतालों के सामान्य बेड के अलावा ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। लेवल 2 के अस्पतालों में बेड पर ऑक्सीजन के साथ कुछ में वेंटिलेटर की व्यवस्था है, जबकि लेवल 3 के अस्पतालों में वेंटिलेटर, ICU व डायलिसिस की व्यवस्था करने का भी दावा सरकार द्वारा किया गया है। इस बीच यह भी जानकारी में आया है कि नोएडा में वेंटिलेटर निर्माण की यूनिट भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि महंगे वेंटिलेटर खरीदने के बजाय योगी सरकार ने बेहद सस्ते व पोर्टेबल वेंटिलेटर खुद ही बनवाए हैं। इनकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।